नमस्कार, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल में। आज मैं सूजी के बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही झटपट बन जाता है। इसके लिए मैं एक कटोरी सूजी ले रही हूँ यहाँ, और इसमें डालेंगे दूध। दूध से इसे घोलेंगे। इस तरह दूध में डाल के अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसे कुछ देर के लिए ढक के रख देंगे। बीस से 25 मिनट हो चुका ढके हुए। अब इसे देख ले रहे हैं, सूजी पूरा दूध सोख लिया है। इसमें डालेंगे एक बड़ी चम्मच चीनी, और इसमें थोड़ा सा दूध डाल दिए हैं। और चीनी दूध सभी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर एक बार और ढक देंगे कुछ देर के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए फिर से ढकेंगे। 10 से 15 मिनट हो चुका है। अब अच्छी तरह से देखिए बैटर तैयार हो चुका है। इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, जैसे कि पिस्ता डालेंगे, यहाँ किशमिश डाल देंगे एक मुट्ठी के करीब, एक मुट्ठी। सभी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। बैटर कुछ गाढ़ा लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा दूध और डाल देते हैं। बैटर में दूध अच्छी तरह से घोल लेते हैं। इस तरह से मिला लेंगे दूध और सूजी को अच्छी तरह से, ताकि कोई लम्स ना रहे। चलिए ये रेडी हो गया। इसे एक साइड रख देते हैं और गैस पे चढ़ा देते हैं एक पैन। पैन पे थोड़ा सा घी डाल देंगे एक चम्मच के करीब, और चारों तरफ मिला लेंगे। देख सकते हैं घी पूरा मैं मिला लिए। अब इस बैटर को छोटे छोटे पैन केक के साइज में तवा पे फैला लेंगे इस तरह से। बहुत ही टेस्टी पैनकेक बनता है, एक बार इसे ट्राई करके देखिएगा, ये ड्राई फ्रूट्स वाले पैनकेक। अब इसे ढक देते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, इसे पलट लेते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे बच्चे को टिफिन में भी दे सकते हैं, बहुत ही झटपट बन जाता है। इस तरह से उलटते पलटते सेक लेंगे। इसे फिर एक बार ढक देंगे ताकि इस साइड भी अच्छी तरह से पक जाए। देख सकते हैं रेडी हो गया ये खाने के लिए। आप इसे सुबह के नाश्ते में ले सकते हैं, या फिर शाम को स्नैक्स के रूप में ले सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इसी तरह आगे और वीडियो से, तब तक बाय बाय।